क्यों सिने लवर्स के लिए खास है फिल्म पहला नशा? क्यों खान्स की तिकड़ी के होने के बावजूद भी पहला नशा का नशा फीका रह गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। क्या आपको पहला नशा याद है? नहीं नहीं, हम पहला नशा गाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि 1993 में रिलीज हुई दीपक तिजोरी, पूजा भट्ट और रवीना टंडन की फिल्म पहला नशा की बात कर रहे हैं। ये एक थ्रिलर फिल्म थी जो कि हॉलीवुड फिल्म बॉडी डबल का रीमेक थी। इसके डायरेक्टर वो हैं जिन्होंने कभी गांव को 3 साल के लगान से मुक्त करवाया तो कभी स्वदेश का मतलब ऑडियंस को समझाया। जी हाँ, लगान, स्वदेश, जोधा अकबर जैसी क्लासिक फिल्मों के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर। ये उनकी एज अ डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इतनी दमदार मेकिंग के बावजूद भी फिल्म फ्लॉप क्यों हुई? वो भी इतनी फ्लॉप कि कई लोगों को तो इसके एग्जिस्टेंस का ही अंदाजा नहीं। आज इसी फिल्म पर हम अपनी वीडियो में बात करेंगे, तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए। फिल्म की कहानी एक एक्टर के इर्द गिर्द घूमती है जिसका करियर अभी डाउन ट्रैक पर चल रहा है और जिसे बंद अंधेरे कमरे में डर लगता है। एक्टर का रोल दीपक तिजोरी ने निभाया था। दीपक अपने अमीर दोस्त के घर केयर टेकर बनकर जाता है। उसका दोस्त उसके खास टेलीस्कोप से उसे एक पड़ोस में रह रही लड़की को दिखाता है जिसे वो रोज देखा करता था। इसके बाद दीपक भी ऐसे ही रोज टेलीस्कोप से लड़की को देखा करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस लड़की का मर्डर हो जाता है और इसके शक की सुई आकर दीपक पर रुकती है। अब किस तरह से दीपक अपने डर से लड़कर असली गुनहगार को सामने लाता है, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म से जुड़ी रोचक कहानियां तो बहुत ही हैं जो कि लोगों को फिल्म से भी ज्यादा दिलचस्प लगती है। जैसे कि फिल्म में पहले रवीना टंडन का नेम स्पेशल अपीयरेंस में रखा जाना था, पर डिस्ट्रीब्यूटर्स ना मिलने के कारण फिल्म में दो हीरोइन फार्मूला को बेचना पड़ा। मेकर्स के पास रवीना टंडन को पे करने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने एज अ पेमेंट उन्हें गाड़ी दी थी। इस फिल्म के समय सुनील शेट्टी वर्सेस दीपक तिजोरी की बड़ी फाइट देखने को मिली थी, जहां दीपक ने सुनील पर पैसों के दम पर उनसे बलवान फिल्म छीनने का इल्जाम लगाया था, तो वहीं फिल्म के फ्लॉप होने पर सुनील ने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। इतनी गॉसिप्स और आमिर खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान की कैमियो अपीयरेंसेस के बावजूद भी ये फिल्म चल नहीं सकी। इसका एक कारण शायद किसी ह्यूज फैंडम वाले हीरो का फिल्म में ना होना हो सकता है, क्योंकि उस समय फिल्में फैंडम के दम पर चलती थी, एक्टिंग के दम पर नहीं। इसके अलावा उस समय ऑडियंस एक कंप्लीट थ्रिलर के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें गानों से भरी लिव टुगेदर एवर आफ्टर जैसी फिल्में ज्यादा पसंद थी, और हो सकता है कि ये फिल्म उस कदर बनकर तैयार नहीं हुई हो, उस कदर बनकर उतरी नहीं हो जैसी ओरिजिनल फिल्म होनी चाहिए थी। बात जो भी हो, भले ही फिल्म ज्यादा कमाई नहीं कर पाई, लेकिन इसकी कहानी तो काफी दिलचस्प थी। हम तो आपको ये फिल्म देखना जरूर सजेस्ट करेंगे। आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या आपने ये फिल्म देखी है, और अगर हाँ तो आपको कैसी लगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है उपासना पांडे ने।